हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सब अच्छे हैं। और आज ये जो कुर्सियां हैं इसकी धुलाई हो रही है। वैसे तो रोज़ गैलरी में रहती है और ये उसे रोज़ पोछ के ही बैठना पड़ता था, क्योंकि धूल इतनी होती है कि बिना पोछे बिना साफ़ किए तो बैठ नहीं सकते। तो बस सोचा आज इसकी धुलाई कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो जाते हैं तो जब तक इसमें पानी ना पड़े तब तक अच्छी नहीं होती। तो बस वही सफाई चल रही है। और है ये कि इतना फोर्थ फ्लोर में होने के बाद भी सोचिए कि धूल इतनी आती है कि इतनी ऊंचाई पे भी धूल हो जाती है। तो अब बारिश का मौसम आ गया तो अब इतनी धूल होगी नहीं। आज काफ़ी काम हो रहा है, क्योंकि होता ही है कि किसी दिन कोई काम कर ले, किसी दिन कोई चीज़ ले ले तो हो जाता है कि बहुत सी चीज़ें साफ़ सफाई हो जाती है आपकी। तो आज साइड में भी मशीन भी चल रही है और जो रज़ाई के खोल लिहाफ होते हैं उसके जो कवर हैं उसकी भी धुलाई कर रहे हैं। तो बस मशीन चल रही, साथ ही साथ वो भी धुल जाएंगे, साथ में कपड़े भी है डेली के तो वो भी धुल रहे हैं। और काफ़ी काम भी हो जाता है, खाना भी बनाना होता है, साथ ही साथ सुबह का काम तो वैसे भी काफ़ी होते हैं, फिर साफ़ सफाई सब चीज़ सब तरह से होता है। तो बस जो मेड होती है आपकी तो बस सिर्फ बर्तन झाड़ू पोछा करके चले जाने से नहीं होता कि आपका काम हल्का हो गया, आपको करना ही करना है। और आप रोज़ करेंगे थोड़ा थोड़ा काम तो आपको ही हल्का होगा और आपका मन भी अच्छा लगेगा कि आपके घर साफ़ है। तो बस, और हमारी भी यही आदत है कि जब तक के घर साफ़ ना हो तो जिस दिन अगर कभी आप सफाई नहीं करेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपके मन में बहुत उलझन है, बहुत चिड़चिड़ापन सा आ जाता है कि आज घर अच्छा नहीं लग रहा है। हमारे भी जेठ जेठानी भी आने वाले थे, वो जबलपुर से ससुराल आए हुए हैं बिलासपुर, तो वो वहाँ से यहाँ आने वाले थे हम लोगों के यहाँ भी, लेकिन कुछ पता नहीं क्या हुआ वजह कि वो नहीं आ पाए हैं, वापस चले जा रहे हैं जबलपुर। तो अब वो अगले अब जब भी होगा तब फिर नेक्स्ट टाइम आएंगे। तो बच्चों को भी लग रहा था कि वो आ जाएं तो अच्छा लगेगा, इंतज़ार में थे वो लोग सब कि आएंगे लेकिन नहीं आ पाए, तो थोड़े उदास हो गए हैं। तो अब देखिए कब आते हैं। मायके से भी पापा का फ़ोन आता है कि आ जाओ मिलने आ जाओ, उनको बुलाते हैं हम लेकिन वो कहते हैं बेटा तुम ही आ जाओ। तो वो हमें भी उनकी बहुत याद आ रही है और उन्हें हमारी आ रही है, तो हमारा भी मन कर रहा है कि हम चले जाएं। 6 महीने तो ऐसे ही हो गए हम मिलके आए हुए और रास्ता सिर्फ 4 घंटे का है लेकिन जा नहीं पाते हैं, साल में मुश्किल से 2 ही बार जा पाते हैं, क्योंकि होता यह है कि बच्चों के कभी एग्ज़ाम कभी पढ़ाई कभी कुछ तो नहीं जाना होता है। देखते हैं आप कब जाएंगे या वहीं से कोई आ जाए तो मिल लें। आज तो वैसे भी बहुत ज़्यादा थक गए थे काम करते हुए और पूरा दिन ऐसे ही निकल गया था, काम बाहर का भी काम हो गया था, बाहर भी चले गए थे, तो इस तरह से काफ़ी काम हो गए। फिर हम लोग मार्केट निकले और वहाँ से हमें ग्रोसरी सामान लेना था। और ये जो सामान दिख रहा है ये बाहरी गेट है, यहाँ से हम लोग 6 बजे के बाद निकले क्योंकि जो इनकी शॉप थी तृप्ति सुपर मार्केट वो बंद हो चुकी थी। तो ये उन्हें गाड़ी गली में लेके आए, फिर हम लोग सामान रख के फिर वापस घर में आए। तो ये हमारे घर के पास महाराजा चौक है, वहाँ है ये सुपर मार्केट तृप्ति, तो पास में ही था, ज़्यादा दूर भी नहीं था। तो हुआ ये कि हम लोग जब मार्केट हम लोग डी मार्ट से सामान लेते हैं तो वो डी मार्ट तो अभी बंद चल रहा है। और होता ही है कि जो हम अपनी किराना शॉप है वहाँ पर्ची दे देते थे तो वहाँ से भी सामान आ जाता था, अभी लॉकडाउन में तो वहीं से ले रहे थे तो उनको दे देते पर्ची, लेकिन हुआ ये कि काफ़ी टाइम लगाते हैं वो देने में सामान, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो ज़रूरी होती है तो जाके ले आओ वो ज़्यादा अच्छा कि सब एक साथ पूरा सामान आ जाएगा। तो हम लोग जाके ले आए, पहले देर हुई लेट हो गए थे हम लोग काफ़ी, तो भी ले लिया जाके। और ये छोटा बेटा है वो जो सामान निकाल रहा है और इन्हें अपनी सामान की लगी हुई है कि इनके लिए क्या आया था सामान, जो बिस्किट्स है केक है ये सब चीज़ें देखने के लिए से वो अपनी खाली कर रहे हैं बैग।
तो साथ ही साथ पूरा बैग खाली कर दिया, क्योंकि सामान भी अपनी जगह रखना होता है, तो बस वही चल रहा है। किराना शॉप वाले भी बोलते हैं कि आप हमारे यहाँ से ले जाइया करिए, क्योंकि पहले ले जाते थे, फिर हुआ ये कि डी मार्ट वगैरह जब से हो गया तो ज़्यादातर हम लोग वहीं जाके ले आते हैं सामान, और तो अच्छा भी रहता है। लेकिन काम तो अभी वही लोग आए कि जो लॉकडाउन में उन्हीं के पास नहीं तो कहाँ, डी मार्ट वगैरह तो सब बंद था, तो यही सब चीज़ें यही लोग काम आते हैं, तो इस तरह से उनका भी ख्याल रखना चाहिए। चावल है शक्कर रसम, ये देखिए नेल पॉलिश निकाल रहे हैं, हम रिमूव कर रहे हैं। हुआ ये कि शौक़ में लगा लेते हैं, और हमें काफ़ी शौक़ है नेल पॉलिश का, तो जब कभी मन करता है तो लगा लेते हैं, और ये है कि नमाज नहीं होती इसलिए नहीं लगा पाते। ये देखिए मार्केट गए हुए थे दोनों बच्चों के लिए, से घर में पहनने के लिए कपड़े चाहिए था, जो टी शर्ट वगैरह ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि घर में क्या होता है कि डेली की जो टी शर्ट होती है वो डेली पहनते हैं और डेली ही धुलती है, तो इस वजह से जल्दी ख़राब हो जाती है, तो बस वही ख़राब हो गई थी तो सोचा ले आते हैं। और अभी ज़्यादातर घर पे ही रहना हुआ है बच्चों का भी, तो बस वही कपड़े ज़्यादा यूज़ हुए हैं, तो सोचा चलो ले लेते हैं, तो बस बच्चों के लिए से, बड़े के लिए ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि छोटे का तो ये था कि अभी वो गया था शिमला, तो उसके लिए उस टाइम ले लिया था, तो उसके पास अभी ठीक था, फिर भी उसके लिए एक टी शर्ट ले लिए थे, और ये बड़े के लिए तीन टी शर्ट ले लिए और एक लोअर लिए थे, और काफ़ी ऐसी महंगी ऐसा कुछ नहीं है, 600 की है, और डिस्काउंट करके समझिए 500 करीब की पड़ी, तो अच्छी है, और कपड़ा भी अच्छा सॉफ्ट है, और बीच बीच में लेते भी रहना चाहिए, नहीं तो होता यह है कि बच्चों का एकदम अगर कभी चाहे अपना हो या बच्चों का हो, कपड़ा नहीं ख़रीदेंगे तो एक साथ ही पूरे कपड़े ख़त्म हो जाते हैं, और बर्डन भी ज़्यादा हो जाता है, बजट ज़्यादा लगता है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा लेना चाहिए। ये देखिए प्रेस के कपड़े गए थे अभी इस बार, नहीं तो क्या होता है कि अभी लॉकडाउन और ये जो कोरोना का चल रहा था, जब से 2-3 महीने से तो बिल्कुल नहीं दे रहे थे, क्योंकि अच्छा नहीं होता बाहर देना, इसलिए घर पे ही प्रेस करके पहन रहे थे। वैसे भी ये ऑफिस तो इनका 2 महीने से वैसे भी बंद था, तो ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी कि बाहर में कपड़े प्रेस के, घर में ही जो लोअर टी शर्ट पहनना होता था वही पहनते थे, तो जब कभी ज़रूरत पड़ती थी तो प्रेस कर लेते थे, और ये सोचा कि चलो अलमारी में जमा देते हैं, तो यहाँ तो इनके ब्लेज़र वगैरह उससे तो ये खाना तो पूरा पैक दिख रहा है, तो अब इसको बाद में कभी फिर हटा के रखेंगे। तो जो न्यू फ्रेंड्स देख रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और लाइक कमेंट्स ज़रूर करिएगा, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं आप लोग, सब के बहुत अच्छा लगता है देख के। तो बस फिर चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।